हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सिल्क वर्म को किस तरीके से रेयर किया जाता है और उसमें से किस तरीके से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 4 है। अगर आप इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर जरूर से देखना चाहिए, जिसके अंदर में हमने देखा था कि जो सिल्क वर्म है उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। दैट मीन सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, ये हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 3 के अंदर में हमने डिस्कशन किया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो उस लेक्चर को भी आपको अच्छे से देखना होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ में, देखते हैं कि किस तरीके से सिल्क वर्म को रियर किया जाता है। ठीक है, आइए बच्चा लोग देखते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म आज का हमारा टॉपिक है। पहला पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, यहाँ पर कई सारे स्टेजेस है। पहला स्टेज देखने जा रहे हैं, द फीमेल सिल्क मोथ लेस eggs on a mulberry leaves which then transferred to a piece of paper or cloth। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि जो मलबरी ट्रीज होते हैं उनके लीव्स पर ही ये एग्स ले करते हैं। कौन ले करेगा भाई? तो फीमेल होगी, ऑफकोर्स फीमेल ही वहां पर एग ले करेगी। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि अब इनको हम रेयर कर रहे हैं। रेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। किसी भी अगर हम जीव जंतु को या फिर किसी एनिमल को अगर हम उसको पालते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेयरिंग कहा जाता है। तो भाई वहां से जो ये एग्स हैं, ठीक है ना, ये एग्स, उन एग्स को किसी पेपर के पीस पर या तो फिर क्लोथ के ऊपर में उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद में क्या होता है देखते हैं, द एग्स आर स्टोर्ड अंडर हाइजीन कंडीशन इन अ स्पेसिफिक कंडीशंस इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द लार्वा टू हैच। बच्चा लोग, अब वहां से उनको क्लोथ के ऊपर में या फिर पेपर की पीस पर उनको ले लिया गया, उसके बाद में क्या किया जाता है, तो उनको एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखा जाता है जिस वजह से वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सके, उनकी डेथ ना हो। तो उसके लिए टेम्परेचर जो है उसको भी मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ में प्रेशर को भी मेंटेन किया जाता है ना, क्योंकि हर एक जो लिविंग थिंग्स है उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, और एक स्पेसिफिक जो है वो प्रेशर चाहिए होता है। तो अच्छे से प्रेशर में और टेम्परेचर के अंदर उनको क्या किया जाता है बच्चा लोग, उनको अच्छे से ग्रोथ किया जाता है। ठीक है, जब तक लार्वा में से वो लार्वा ना बन जाए। ठीक है ना, उसके बाद में देखते हैं सेकंड जो स्टेज है वो क्या है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लीव्स के ऊपर रहते हैं, फिर उनको वहां से ट्रांसफर किया जाता है। व्हेन द लार्वा हैच दे आर प्लेस्ड ऑन अ क्लीन बाम्बू ट्रेस प्रेस एंड आर फेड ऑन लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज। बच्चा लोग, अब क्या हुआ, जब लार्वा उसमें बन जाता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या किया जाता है, तो उनको यहां से क्लोथ पर से एक अलग टाइप की बांबू की ट्रे बनाई रहती है, ठीक है, या डिश बनाई रहती है आपके से, तो उस उनको वहां पर ट्रांसफर कर लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उनको बहुत सारे मलबरी ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो दिए जाता है खाने के लिए, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है कि ये जो लार्वा है या फिर सिल्क वर्म की बात करें तो ये मलबरी ट्री के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लीव्स को खा करके सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको वो लीव देना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, कैटरपिलर्स ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लीव्स एंड इंक्रीज इन साइज एट अ वेरी रैपिड पेस। बच्चा लोग, अब यहाँ पर जो इनको ये मलबरी ट्रीज के लीव्स दिए जा रहे हैं ना, ठीक है, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा खाते हैं, वो डे एंड नाइट उसको फेड करते रहते, खाते रहते, जिससे कि उनकी साइज बहुत ही जल्दी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी के लिए हमने यहाँ पर देखा भाई कि बाम्बू ट्रे में उनको रखने के बाद में ना बहुत सारे उनको लीव्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी ग्रोथ फटाफट जल्दी से हो सके और उसमें से जल्दी से सिल्क जो फाइबर है उसको निकाला जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस अ लॉट ऑफ मलबरी लीव्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, और इसके वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो मलबरी लीव्स हैं, ठीक है ना, वो जरूरी होते हैं, क्योंकि भाई डे नाइट जब खाएंगे तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी लीव्स की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी इज कैरिड आउट इन अ सीजन व्हेन न्यू लीव्स स्प्राउट इन द ऑन मलबरी ट्रीज। भाई ये जो है ये जो एक्टिविटी है पूरी एक्टिविटी कौन से सीजन में की जाती है, उस सीजन में की जाती है कि जिस सीजन में मलबरी ट्रीज जो है उनके ऊपर में जो नए लीव्स हैं वो स्प्राउट हो रहे थे, नए जो लीव्स हैं वो आ रहे होते हैं, क्योंकि उसी टाइम में ज्यादा से ज्यादा लीव्स उनको दिए जा सकते हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये सिल्क वर्म है। ठीक है, थर्ड जो स्टेज है बच्चा लग उसको देखते हैं यहाँ पर। द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग
आफ्टर सिक्स वीक, तो छह वीक के बाद में क्या करता है वो ईटिंग खाना बंद कर देता है लिप्स को एंड मूव टू अ चैम्बर इन द बाम्बू ट्रे। और कहां पर जाता है वो जो बाम्बू ट्रे का चैम्बर रहता है ना वो उसके अंदर जाता है, बाम्बू ट्रे में उसके हमने रखा था ठीक है ना। अब वहां से क्या होगा जब बड़ा हो जाएगा उसकी साइज बढ़ जाएगी तो वहां से वो बाम्बू ट्रे में चला जाएगा और क्या करेगा जो अपने वो ककून रहता है उसको छोड़ देगा ठीक है। उसके बाद देखते हैं देयर दे स्पिन अ ककून एंड गेट अटैच टू द ट्रे। उसके बाद में क्या होता है ये जो ककून रहता है उसको क्या किया जाता है स्पिन किया जाता है और किसके साथ में उसको ट्रे के साथ में क्या रहता है अटैच किया रहता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं दीज ककून्स आर देन कलेक्टेड बाय फार्मर एंड प्रोसेस टू फॉर्म सिल्क फाइबर। और उसके बाद में ये जो ककून हमने देखा है ना ये ककून भाई वहां से ये निकल जाते हैं ककून में से बाहर ट्रे में चले जाते हैं और ये जो ट्रे के अंदर में ये ककून स्टिक रहते हैं चिपके हुए रहते हैं ठीक है ना। उसके बाद में ये जो फार्मर्स है ना फार्मिंग कर रहे हैं एक तरीके से खेती कर रहे हैं उसके बाद में उस ककून को लेते हैं कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसमें से क्या बनाते हैं सिल्क फाइबर बनाते हैं। अब ये सिल्क फाइबर कैसे बनता है इसकी प्रोसेस अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इसको किस तरीके से सिल्क फाइबर जो है वो बनाया जाता है इसमें से ठीक है। तो चलिए इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चा लोग हम देखते हैं कि जो सिल्क बनाने की प्रोसेस होती है किस तरीके से होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चा लोग हमारा है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो हम यहाँ पर बच्चा लोग पहले देख चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क को हम देख चुके हैं उसके बाद में देखा है किस तरीके से उसको रेयरिंग की जाती है और अब हम देखने जा रहे हैं कि सिल्क किस तरीके से बनाया जाता है। तो बच्चा लोग आपको तीन तरीके मतलब एक ही टॉपिक में से तीन तरीके के आपको क्वेश्चन कर सकते हैं या तो दो क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चनिंग की जाती है और यहाँ से कई सारे एमसीक्यूज वगैरह भी इसमें से निकलते हैं तो आपको सारा कुछ जो है अच्छे से लर्न करना पड़ेगा ठीक है। चलिए बच्चा लोग हम स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या आता है सिल्क बनाने की ठीक है। ककून आर कलेक्टेड एंड केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। तो बच्चा लोग ककून को अभी हमने देखा ककून को क्या किया गया कलेक्ट किया गया ना फार्मर्स के द्वारा एंड आफ्टर दैट क्या किया जाएगा उसको भाई उसको सन लाइट में रखा जाएगा या तो उसको बॉइल किया जाएगा या तो फिर क्या किया जाएगा उसको स्टेम किया जाएगा। स्टेम का मतलब क्या होता है बच्चा लोग उसको बॉइल किया जाएगा अच्छे से भाप दी जाएगी उसको ठीक है ना। और फिर ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा किस वजह से तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि भाई जो ककून होता है ना ककून उसके ऊपर में उन लोगों ने क्या अपने अच्छे से यहाँ पर आसपास में ये जो फाइबर है उस तरीके से पूरा कवरिंग किया रहता है तो उस फाइबर को अलग करने के लिए ही इसको हीट दी जाती है या इसको स्टीम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है दिस हेल्प इन सेपरेटिंग आउट द सिल्क फाइबर। और इसकी हेल्प से क्या होता है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग द प्रोसेस बाय विच सिल्क थ्रेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ककून इज कॉल्ड अ रीलिंग द सिल्क। बच्चा लोग ये जो पूरी प्रोसेस हमने ऊपर देखी इसको गर्म करके उसमें से फाइबर को निकालने की इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है रीलिंग द सिल्क ठीक है आपको रिमेंबर रखना है। तो आपको पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज द रीलिंग ऑफ सिल्क ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है जो जिस प्रोसेस से उसमें से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है रीलिंग द सिल्क कहा जाता है ओके। नेक्स्ट इसमें का स्टेप देखते हैं दैट इज स्टेप नंबर टू देन द स्पिनिंग ऑफ द सिल्क फाइबर इनटू थ्रेड इज डन। और इस तरीके से क्या किया जाता है जो सिल्क थ्रेड है वो बनाए जाते हैं ठीक है। यहाँ से निकाले गए सिल्क थ्रेड अब क्या हो जाते हैं रेडी हो जाते हैं। अब सिल्क थ्रेड रेडी हो गए भाई तो क्या चाहिए उसके लिए अब कुछ नहीं चाहिए द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन आर वुमेन इनटू द डिजायर्ड क्लोथ। और इस तरीके से जो बच्चा लोग यहाँ से सिल्क थ्रेड निकाले गए ना अब उसमें से डिजायर्ड टाइप के क्लोथेस बनाए जा सकते हैं जिस टाइप का आपको टेक्सचर चाहिए हो जिस टाइप का आपको क्लोथ चाहिए हो उस टाइप के क्लोथ इसमें से बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चा लोग यहाँ पर ये पूरी जो प्रोसेस है वो फिनिश होती है हमारा लेक्चर भी फिनिश होता है। और इसी के साथ में बच्चा लोग ये इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर था यहाँ पर हमारा चैप्टर भी इसी के साथ में फिनिश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।